तो भाई आगे आते ही हमारे साथ एक कांड हो गया है, आधा घंटा लग जाएगा भाई। सिर्फ मौसम मस्त लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हल्द्वानी का मौसम बहुत मस्त है। हल्द्वानी में जो समझ रहा है, समझ रहा हूँ मैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और मैं हूं तुम्हारा भाई अंशुल दस्तों की दस सस्ता व्लॉगर। तो भाई आज के व्लॉग में गाड़ी से शुरुआत कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिलहाल मैं गाड़ी को साइड लगा रहा हूं। फिर अभी बॉबी आ रहा है ना, तो बॉबी को उठाते हैं, बॉबी के साथ मैं जा रहा हूं अल्मोड़ा। तो बॉबी का वैसा जाने की प्लान बना, उसने मुझे कॉल किया कि भाई चलो आज अल्मोड़ा चलते हैं। तो मैंने कहा चलो बॉबी भाई चलते हैं अल्मोड़ा यार। फिलहाल मैं ऐसे गाड़ी हटाता हूं ताकि गाड़ी की जो धूप है ना, धूप से जो हीट हो रही है गाड़ी वो थोड़ी कम हो जाए। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, ठीक है। और व्लॉग पूरा एंड तक देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। क्या है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। फोन ओवरहीट हो रहा है तुम्हारा आजकल? क्या करें यार, कैसे ओवरहीट कैसे हो रहा है भाई, गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है। हाँ यार ये भी है। तो भाई फिलहाल अपने बैग को गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद बॉबी को रिसीव कर, फिर अभी बॉबी की बाइक को खड़ा करना है मैं हर्ष के घर पे। अरे अरे उड़ाएगा क्या भाई, सामान इसमें रख देते ना भाई। सही बता रहा हूँ, गाड़ी में बैठते जो बैंड बजी है ना यार, ये सब मुझको पता है भाई। धूप में गाड़ी ऐसी तप रही थी अभी भी, जबकि मैंने गाड़ी साइड लगा दी थी छाई में, लेकिन तब भी इतनी तप रही है ना भाई। एसी ऑन करने के बाद भी अभी असर नहीं हो रहा है, एसी भी गर्म हवा जैसी दे रहा है यार। भाई सितारगंज में इतनी गर्मी पड़ती है ना, सच बता रहा हूँ कोई हिसाब नहीं इस बात का, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यार। और भाई वहाँ आप देख सकते हो स्कूल की छुट्टी हो रही है, ये मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ 11th 12th किया है अपना। भाई दो कोल्ड ड्रिंक डाल दो, दो पानी की बोतल दे दो और कॉफी कॉफी दे दो। हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा, अचानक ही प्लान बना। हाँ अभी तो फोन किया मुझे 11:30 बजे, तो तेरी यहाँ बाइक खड़ी करने आया, पता है तेरे यहाँ बाइक खड़ी करने आया। तुझे क्या लगा सही में कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे तो इतनी दूर? चलो ठीक ठीक है साहब, यही तो होता है यार, लॉन्ग व्लॉग ये भी बना रहा है ना। तो भाई अभी हमने बाइक खड़ी कर दी अर्श की और अब निकलते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर सीधे हम निकलते हैं अल्मोड़ा के लिए। क्यों ब्रो रेडी? तो भाई हम लोग निकल चुके हैं फाइनली अब अल्मोड़ा के लिए। तो बॉबी भाई रेडी हो? बिल्कुल रेडी। गर्मी में लेकिन बैंड बज रहे हैं यहाँ पे अभी ना, इतनी हल्द्वानी तो गर्मी है, उसके बाद जो नहीं चोर गली से अच्छा लगने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा ना, मौजी एक मौजी अच्छी हवा आ जाती है और कूलिंग भी मस्त आती है वहाँ पे। तो अभी हम चोरगलिया पहुंचे और वहाँ पे जाते ही हमें मिली है बारिश, और भाई रोड पूरी धुल चुकी है और हमारी गाड़ी भी इसी वहाँ धुल गई बॉबी भाई है ना। बिल्कुल हम सोच रहे थे वॉशिंग कराए बट अब हमारा मूड नहीं है वॉशिंग कराने का, क्योंकि नेचुरली हमारी गाड़ी वॉश हो गई है वो भी सोने के पानी से। और ये है बॉबी भाई का सोने का आईफोन, भाई दिखाओ सोने का। तो भाई आगे आते ही हमारे साथ एक कांड हो गया है। कांड ये है कि भाई आगे मिल रही है बारिश है, गाड़ी आगे लगाते हैं पहले है ना। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा पानी चल रहा है अभी। बॉबी भाई जंप मार दे भाई, जंप मार के जा रहे हो ध्रुव भाई, मैंने सुना है तुम। भाई देखो यार कितना ज्यादा पानी चल रहा है यहाँ पे, पानी का प्रेशर से थोड़ी देर में हल्का तो हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हम लोग को रुकना ही पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना पानी लग रहा है मतलब आधा घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा लग जाएगा। तो यार अभी गाड़ियाँ निकलना शुरू हुई हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम भी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, अभी अपनी गाड़ी निकालते हैं भाई। यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पानी में से भाई, अब पानी को हमने पार कर दिया और भाई बहुत लंबा जाम था बॉबी भाई उधर है ना। बिल्कुल यार बहुत ज्यादा भाई, लेकिन हम बैंड बज गई हमारी इंतजार करते करते, कितनी देर हो गई भाई? एक घंटा तो एक से ऊपर हो गया, आ गया डेढ़ घंटा हो गया होगा मैं कम से कम। तो भाई हल्द्वानी आते ही देखो एकदम बादलों वाला मौसम मिल रहा है, और इसी मौसम की वजह से अभी हमने अपना प्लान चेंज किया, हम लोग आज अल्मोड़ा नहीं जा रहे हैं, हम लोग या तो भीमताल में रुकेंगे या हल्द्वानी में कहीं पे रुकते हैं अभी, क्योंकि यार अभी जाएंगे तो रात में पहाड़ों में ट्रेवल करने में क्या मजा आएगा, कुछ हाँ। नजारे दिखेंगे और अल्मोड़ा भी अगर हम अभी भी निकलेंगे ना तो हमें कम से कम 8:30 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते हाँ। तो वो मजा नहीं आएगा जो हमें राइड एंजॉय करनी है ना, तो हम अल्मोड़ा निकलेंगे कल। तो आज अभी हम हल्द्वानी या भीमताल को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं हमारे दीपांकर भैया के पास उनके मैकपाई कैफे में, तो चलते हैं सीधे दीपांकर भैया के पास। तो हम आ चुके हैं भैया के कैफे पे और अभी सरप्राइज भी देते हैं भैया को। और यहाँ पे अभी भाई यहाँ पे धूप ठीक पड़ गई है ना, धूप ठीक हो रही है अब, यहाँ पे मौसम ठीक हो रहा है। तो हम देते हैं सरप्राइज यहाँ पे कुछ लोगों को, सरप्राइज कैसे हुई है, कहाँ जा रहे हो अभी? तो यहाँ पे पूरी दुनिया अपनी मोबाइल में मस्त है। हाँ मतलब दोस्त बुला रहा था काफी दिनों से, तो हम ऐसे घूमने के लिए जा रहे थे जनरली, वैसे हम लोग बाइक से जा रहे थे लेकिन तीन नहीं जाते, लंबाई टूर मार रहा है। तो अभी दीपांकर भैया कहीं पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो वैसे? अभी हम जा रहे हैं कहीं प्राइवेट, प्राइवेट काम से जा रहे हैं भाई, कोई उल्टा सीधा दिमाग मत लगा लेना, काम से जा रहे हैं। तो अभी दीपांकर भैया से हम मिलेंगे परसों दोबारा से आके, क्यों भैया? तो अभी आज ही मिल रहे हैं।
भाई हल्द्वानी का मौसम कितना मस्त हो रहा है यार, आप देखो क्या वेदर हो रहा है, बादल एकदम मस्त हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दोस्तों के साथ तो वैसे भी मजा ही आ जाता है, क्यों भाई? भाई सिर्फ मौसम मस्त नहीं हो रहा है भाई। बारिश हो चुकी है और हम लोग कार में बैठे हैं, वो तो अच्छा हुआ हम लोग बाइक से आने वाले थे। सामने का रास्ता देख भाई, सामने का रास्ता रे कुछ दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा भाई, गड्ढा ना हो यहाँ पे। अरे मौत कसम भाई, गड्ढा भाई, यहाँ चला दिए गाड़ी देखो। तो भाई अभी हम लोग फाइनली हमारे होटल रूम में आ चुके हैं और यहाँ अभी सारे लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। भाई ये बंदा यहाँ पे मोबाइल में गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है भाई। जी अब चाहिए तेरे को, तुम्हारे लिए भी जुगाड़ देता हूँ भाई। मेरे लिए मत ढूंढ यार, मेरे लिए बॉबी ढूंढ के लाएगा यार भाईचारे में। क्यों बॉबी? चलो दुबई चलो, ढूंढते हैं। दुबई से लाएगा गर्लफ्रेंड? यहाँ का क्या है यार, यहाँ पे क्या रखा है? देश का प्रेम दूसरे देश में बढ़ाना चाहिए, जैसे कि रशिया। तो भाई अभी हम आए यहाँ पे खाना खाने के लिए और बॉबी भाई ढूंढ रहे हैं मेन्यू में से क्या खाया जाए। भाई क्या खाने का मूड है फिर? देखते हैं यार अभी क्या अच्छा लगता है। वेज मंगाते हैं, वेज सस्ता सस्ता मांगेंगे, सस्ता देखो जल्दी से सस्ता क्या है, सबसे सस्ता ढूंढ रहे हैं हम, जो सबसे सस्ता मिल जाए। तो भाई अभी फिलहाल खाना वाना खाते हैं क्योंकि लग रही है भूख बहुत जोर से सबको और फिर रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा ना यार, तो रात में तो खा नहीं सकते बहुत। अब 8:30 हो रहा है तो 8:30 बजे तो खाना खा लेना चाहिए। तो भाई हमारा खाना पीना आ चुका है, ये अपना कढ़ाई पनीर, ये अपनी रोटियां, वो है अपनी सैलेड और ये है मेरे दोस्त दोनों और ये है चटनी और यहाँ पाउड़ी हो रही है और यहाँ पे पाउड़ी हो रही है पाउड़ी और वहाँ पे स्पाइडरमैन बड़ा सा मकड़ा। बॉबी कटवा दें इसको मकड़े से, खाएगा ये तो डायरेक्ट है, हैरी पॉटर में भी तो आता है एक। तो यार अब हमारा डिनर वगैरह हो चुका है, पेट एकदम भर चुका है और यार दोस्तों के साथ अब करने वाले हम बातें और इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। गुड नाइट। ये तो पप्पियाँ दे रहा है भाई साहब, बड़ा अश्लील लौंडा है ये। तो ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लव यू ऑल, बाय। हम तीनों को हल्द्वानी में एक ही चीज पसंद आई। क्या लग रही थी? अबे क्या हो गया, अबे इसे क्या हो गया?